गुड मॉर्निंग बच्चों, 5 जून 2020 का आपको मेरा गुड मॉर्निंग, और इस विश्वास के साथ कि आप निश्चित ही अच्छे से होंगे, क्योंकि आप हमेशा पॉजिटिव सोचते होंगे और पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो नेगेटिविटी को हटाती जाती है, और जिस व्यक्ति के मस्तिष्क से माइंड से नेगेटिविटी हटती जाती है वो व्यक्ति निश्चित ही सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ता है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना आज का कोटेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं चीज़ें यहाँ पे आपके सामने हैं, और ये आज का कोटेशन है आपका, माइंड इज नॉट अ वेसल टू बी फिल्ड बट अ फायर टू बी इग्नाइटेड। यानी मस्तिष्क वो चीज़ नहीं है टू बी फिल्ड, किसमें कुछ भी क्या करते जाएं, भरते जाएं, बट अ फायर, बल्कि मस्तिष्क ये माइंड एक ऐसी फायर है, एक ऐसी आग है टू बी इग्नाइटेड, जिसे जलाए रखना है, अर्थात हमेशा कुछ बेहतर करने के लिए सोचते रहना। यानी कुछ भी कूड़ा कचरा मिले इस दिमाग में भरना नहीं बच्चों, इसको हमेशा इग्नाइट करते रहना, प्रेरित करते रहना है कुछ बेहतर करने के लिए, न कि बदतर करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करने की कोशिश करें, और जिंदगी में भी हमेशा आपके क्या होगा, फिर पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो मस्तिष्क में सब कुछ न भरें, वही रखें जो आपके काम का हो, बेहतर हो आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, और ये सिनोनिम्स टेस्ट है आपके सामने। पहला वर्ड है जैसा कि देख रहे होंगे केओटिक। तो क्या हो जाएगा केओटिक का बच्चों, क्या चूज करना चाहेंगे केओटिक के लिए आप? केओटिक मींस, याद है आपको केओटिक मींस होता है कोई ऐसी चीज जो अस्त व्यस्त हो। क्या हो? जो अस्त व्यस्त हो वो केओटिक है। तो केओटिक अस्त व्यस्त के लिए क्या यूज कर लेंगे आप? स्कैटर्ड हो जाएगा। कोई चीज जो स्कैटर्ड हो, डिस्पर्स्ड हो, या हेल्टर स्केल्टर हो, वो क्या है आपका? केओटिक है, ठीक है, याद हो जाएगा। केओटिक मींस बिखरा हुआ, अस्त व्यस्त, स्कैटर्ड, हेल्टर स्केल्टर। नेक्स्ट वर्ड है डीलिमिटेशन। किसी चीज को डीलिमिट करने का कार्य, सीमा परिसीमन करने का कार्य, उसको सीमित करने का कार्य। तो डीलिमिटेशन का क्या हो जाएगा बच्चों? याद है रेस्ट्रिक्ट, किसी चीज को सीमित कर देना, परिसीमित कर देना उस चीज को। सर्कमस्पेक्ट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका। मैंने कल कहा था कहीं भी स्पेक्ट लगा हो देखने से मतलब होता है, और सर्कमेंस होता है अपने आसपास। तो जो व्यक्ति अपने आसपास के चीजों को हमेशा देखता रहता हो, वॉच करता रहता हो, उनके प्रति केयरफुल हो, अलर्ट हो, विजिलेंट हो, कॉशस हो, वो सर्कमस्पेक्ट है। तो वो क्या है? वो विजिलेंट हो जाएगा, सतर्क, सावधान, कॉशस। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेलिबरेशंस। डेलिबरेट मींस क्या होता है याद है? जानबूझकर। तो डेलिबरेशंस किसी चीज पर चर्चा, बहस जो होती है वो डेलिबरेशंस होती हैं। तो डेलिबरेशंस का क्या हो जाएगा? बहस के सेंस में डिस्कशन, चर्चा, बहस। डिमोलिश याद कर लीजिएगा, आप कई सारे वर्ड जानते होंगे नष्ट करने के सेंस में, जैसे ये वर्ड आपके लिए बिल्कुल इजी है, डिस्ट्रॉय, ये वर्ड भी आपको याद होगा, एनिहिलेट, ये वर्ड भी याद होगा आपको, इरेडिकेट, ये वर्ड भी याद होगा आपको, स्पॉइल, ये वर्ड भी याद है आपको, वेस्ट, और अब ये वर्ड भी याद हो गया आपको, डिमोलिस। तो ये सारे वर्ड्स क्या है, और भी अगर याद करना चाहते हैं आप, डिस्ट्रक्ट, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं, ये सारे वर्ड्स नष्ट करने के सेंस में, लेकिन इनके अलग अलग क्या होते हैं, अर्थ होते हैं, अलग अलग मायनों में, अलग अलग सेंटेंसेस में, अलग अलग तरीके से इनका यूज होते हैं। तो जहां डिमोलिश का अर्थ होता है वहां पे किसी बिल्डिंग्स वगैरह, किसी संरचना को ऊपर से नीचे गिराने के सेंस में होता है, अर्थात उसे क्या करना बच्चों, पुल डाउन कर देना, या नॉक डाउन कर देना, या कोई इंपॉर्टेंट वर्ड याद हो आपको अगर, टापल डाउन कर देना, है ना, इन सब के मीन्स गिरा देना, ढहा देना। तो डिमोलिश का क्या हो जाएगा? नॉक डाउन, गिरा देना, ठीक है। रश भीड़ के रूप में है, नाउन के रूप में, और वर्ब के रूप में, भीड़ के रूप में, आगे बढ़ना, तेजी से बढ़ना। तो अगर तेजी से आगे बढ़ना है तो रश का क्या हो जाएगा? हॉशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड था आपका पजिश्र, याद है आपको? पजिश्र मीन्स कोई जो किसी चीज के लिए बहुत व्यग्र हो,
किसी चीज को लेकर बहुत सशंकित रहता हो, पागल हो उसके लिए, बहुत व्याकुल हो, वो पजेस्ट होता है। तो अगर पागल के सेंस में लेते हैं तो इनसेन हो सकता है या मैड हो सकता है। किसी चीज के लिए जो पजेस्ट होता है वो इनसेन या मैड होता है। ठीक, विष्टा यहां पे मैंने विस्तार के सेंस में दिया है, तो अगर विष्टा का विस्तार के सेंस में है, बड़े के सेंस में है, विशाल के सेंस में है, तो क्या हो जाएगा? मैसिव, यानी कोई चीज जो बड़ा हो, विशाल हो। मॉन्यूमेंटल का तीन अर्थ मैंने बताया था, एक हिस्टोरिकल के सेंस में अर्थात ऐतिहासिक के सेंस में, एक हाईली सिग्निफिकेंट के सेंस में अर्थात जो बहुत महत्वपूर्ण हो, और एक बृहद बड़े के सेंस में। तो यहां देख लें किस सेंस में है, महत्वपूर्ण के सेंस में, यानी मॉन्यूमेंटल का सोनेम क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट वर्ड आपका लिगैसे, याद होगा लिगैसे मीन्स कोई विरासत, कोई धरोहर। तो जो धरोहर होती है वो हमें हमारे पुरखों पूर्वजों से, माता पिता से मिलती है। ये क्या है? पैट्रीमनी, यानी पितृ विरासत के रूप में जो मिलता है वो एक लिगैसे या पैट्रीमनी होता है। या अगर ये वर्ड आपने याद कर लिया हो, इनहेरिटेंस, या फिर अगर आपको याद हो व्हाट विरासत के सेंस में लिगैसे हो गया, इनहेरिटेंस, ये वर्ड याद होगा आपको, हेरिटेज, ये वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए बच्चों, कल हमने पढ़ाया था आपको नाउन सफिक्सेस, तो आज हमने दिया आपको एडजेक्टिव सफिक्सेस। ध्यान रखिएगा बच्चों आप ये, कि जैसे मैं आपको सारी सफिक्सेस पढ़ा लूंगा तो मैं अलग अलग वर्ड्स दे करके आपसे मैं पूछता जाऊंगा कि आप पहचान के दिखाएं क्या ये शब्द आप आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं, वेदर इट इज नाउन प्रोनाउन, सॉरी नाउन एडजेक्टिव वर्ब आर एडवर्ब, तो वो आपकी एक पूंजी होगी, एक ऐसी असेट होगी जो आपके काम आएगी। तो किसी भी शब्द के अंत में अगर ant आता हो तो वो एक नाउन हो जाएगा, फुल आता हो तो वह एक नाउन हो जाएगा, सॉरी वेरी सॉरी बच्चों, वेरी वेरी सॉरी, एडजेक्टिव हो जाएगा, फुल से भी एडजेक्टिव हो जाएगा, ic आता हो तो नॉर्मली एडजेक्टिव हो जाएगा, ous आता हो तो हमेशा एडजेक्टिव हो जाएगा, ive आएगा तो हमेशा एडजेक्टिव हो जाएगा, less आएगा तो हमेशा एडजेक्टिव होगा, ary आएगा तो एडजेक्टिव होगा। नाउन में मैंने कल कहा था अगर al जोड़ेंगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा, किसी शब्द में अगर able जुड़ा है तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए बच्चों, ये जो एबल से ये वर्ड बनता है आपका, सॉरी इनेबल, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एक वर्ब है आपकी। ठीक है, क्या है? इनेबल मीन्स योग्य बना देना, सक्षम बना देना। इबल किसी शब्द में है तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये देखिए बच्चों, नाउन प्लस एल वाई अगर ये है, ये भी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। मुझे याद है इलाहाबाद में वो दिन जब एक टीचर कोचिंग में डेमो दे रहे थे, तो फिर वहाँ पे क्या हुआ कि उनको एक सेंटेंस मैंने दिया, जो मैं बच्चों को बताता हूँ अक्सर, कि अगर एक वाक्य जो मैंने उनको दिया था वो ये था, ही एक्टेड कॉवर्डली। ठीक है, मैंने उनसे कहा कि इस वाक्य में क्या गलती है, और वो करीब 4 से 5 मिनट तक कोशिश करते रहे बहुत। अंत में उन्होंने मेरे से कहा कि इसमें कोई गलती नहीं है, ये वाक्य सही है। पता है उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था किसी भी शब्द के अंत में अगर ly है तो वो एक एडवर्ब हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर किसी शब्द के अंत में ly है तो आप ये देख लें कि वो ly नाउन के साथ है या एडजेक्टिव के साथ है। अगर वो नाउन के साथ ly है तो आप तुरंत कह दें वह एक एडजेक्टिव है, वो कभी एडवर्ब नहीं होगा। लेकिन अगर वो एडजेक्टिव के साथ ly है तब आप कह दें वो क्या है? एक एडवर्ब हो जाएगा, जो आगे आप जानेंगे। जैसे हमने लिया कोई वर्ड, हमने लिया क्रिटिक। ठीक है, क्रिटिक एक नाउन है, क्रिटिक मीन्स आलोचक। अब इसमें नाउन में हमने ए एल जोड़ दिया, क्रिटिकल, अब ये एडजेक्टिव हो गया। वैसे हमने कोई नाउन लिया फादर, ठीक है, फादर में हमने, फादर तो नाउन है, हमने एल वाई लिया, अब ये एडजेक्टिव हो गया। यानी किसी नाउन में अगर आप ए एल जोड़ेंगे तब वो एडजेक्टिव हो जाएगा, किसी नाउन में एल वाई जोड़ेंगे तो भी वो एडजेक्टिव हो जाएगा, वो एडवर्ब नहीं होगा। तो फिर अगर हम सैड में एल वाई लें, सैड, सैड प्लस एल वाई, अब ये आपका क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि हमने एडजेक्टिव में क्या लिया है? एल वाई लिया है। ये ध्यान रखिएगा,
नाउन प्लस एल वाई वो क्या होगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, और एडजेक्टिव प्लस एल वाई वो एडवर्ब काम करेगा। तो हमने यहाँ ही एक्टेड कावड़े, कावड़ क्या होता है, नाउन होता है, नाउन में हमने एल वाई जोड़ा, एडजेक्टिव हो गया, लेकिन ये एक्शन वर्ब को किसी एडजेक्टिव की नहीं एडवर्ब की आवश्यकता थी, तो यहाँ उन्हें क्या बताना चाहिए था, ही एक्टेड इन अ कावर्डली मैनर, ये हो सकता था, या ही एक्टेड लाइक अ कावर्ड, ये हो सकता था, ठीक है। तो आप भी याद रखें कि अगर नाउन में एल वाई होगा तो वो एल वाई एडवर्ब नहीं, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव होगा। अब की बात देखिए मैंने इसमें क्या जोड़ा है, कि अगर किसी शब्द में ए एन टी है तो क्या दिखाएगा, इच्छा वाला व्यक्ति दिखाएगा, जैसे विजिलेंट, विजिल में ए एन टी दिखाया, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो विजिल होने की इच्छा रखता है, अर्थात सतर्क होने की इच्छा रखता है, वो क्या है, विजिलेंट। डिफाई में हमने ए एन टी जोड़ा, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो चुनौती देने की इच्छा रखता हो, ललकारने की इच्छा रखता हो, वह डिफाइंट है, ठीक है। ऐसे ये हिंदी भी देख लें, फुल है मीन्स से भरा हुआ, आई सी है मतलब से संबंधित, ओ यू एस है मीन्स से युक्त, आई वी ई है मीन्स किसी गुण वाला, लेस है से मुक्त या किसी चीज से खाली, ए आर वाई है उस चीज से जुड़ा हुआ, नाउन में ए एल है तो से संबंधित, एबल जुड़ा हुआ है नॉर्मली तो योग्य दिखाएगा, इबल भी क्या दिखाएगा, योग्य दिखाएगा, एन प्लस एल वाई है तो जैसा दिखाएगा। मैंने यहां एक शब्द नहीं दिया बच्चों, ध्यान रखिएगा, अगर किसी शब्द में आप लास्ट में आई एस एच दो देखें, ये है ना, किसी एडजेक्टिव में यदि आप क्या देखें आई एस एच, तो वो क्या हो जाएगा आपका, जैसे एडजेक्टिव भी होगा, जैसे ब्लैक है, ठीक है, ब्लैक प्लस आई एस एच तो ब्लैकिस भी क्या रहेगा, एडजेक्टिव ही रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आप अगर सारी वर्ड्स तैयार करें, धीरे धीरे पहचाने कि हाँ इस शब्द विजिलेंट में ए एन टी है तो ये एडजेक्टिव हो गया, ब्यूटी में फुल है तो एडजेक्टिव हो गया, हीरो में एक है तो ये एडजेक्टिव हो गया, करेज में ओ यू एस है तो एडजेक्टिव हो गया, एक्सपेंस में आई वी ई है तो एडजेक्टिव हो गया, कैरेक्टर के साथ लेस जुड़ा है तो एडजेक्टिव हो गया, मिलिट्री में ए आर वाई लास्ट में है तो फिर ये एडजेक्टिव हो गया, क्रिटिक में ए एल है तो एडजेक्टिव हो गया, कैप प्लस एबल है मीन्स एडजेक्टिव हो गया, क्रेड प्लस एबल है एडजेक्टिव हो गया, कावड़ यानी नाउन प्लस एल वाई है तो एडजेक्टिव है, ठीक है। सारी वर्ड्स देखिएगा, तैयार करिएगा, मैं क्या चाहता हूँ, एक ऐसा दिन आए जब आप ये कह सकें कि नाउ यू कैन आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ नाउन, एन एडजेक्टिव, अ वर्ब आर एन एडवर्ब, ठीक है, ये एक पूंजी होगी जो आगे आपके काम आएगी। और एक और चीज़ देख लें बच्चों, ये मैंने नाउन को फिर से दे दिया आपको, क्यों, क्योंकि कल जब मैंने आपको दिया था तो उसमें मैंने ये नहीं बताया था कि आई टी वाई है तो वो क्या दिखाएगा, तो आज मैंने उसकी हिंदी भी पूरी दे दी है कि अगर आई टी वाई है तो क्या दिखाएगा, अवस्था दिखाएगा, मेंट है तो क्या दिखाएगा, परिणाम दिखाएगा, नेस है तो क्या दिखाएगा, गुण या अवस्था दिखाएगा, डबल ई आर है तो उससे जुड़ा हुआ दिखाएगा, ओ आर है तो जो व्यक्ति है जिस प्रोफेशन वगैरह में वो दिखाएगा, शिप क्या दिखाएगा, किसी चीज की अवस्था दिखाएगा, एस आई ओ एन या टी आई एन क्या दिखाएगा, ये भी अवस्था दिखाएगा, टी एच है लास्ट में तो स्थिति या गुण दिखाएगा, आई एस एम है तो प्रथा दिखाएगा, कोई वाद दिखाएगा, आई एस टी है तो उस चीज को मानने वाला दिखाएगा, डम है तो उस चीज की स्थिति दिखाएगा। आज मैंने हिंदी भी दे दी है, सारी वर्ड्स फिर से दे दिए, ये तो रिविजन हो जाएगा, जिन बच्चों का कल छूटा रहा होगा उनको फिर से विद हिंदी भी मिल जाएगा, ठीक है। मेरे आपको सजेशन होगा बच्चों, जरूर तैयार कर लें कि हम नाउन कैसे पहचानते हैं और एडजेक्टिव कैसे पहचानते हैं, तो नाउन और एडजेक्टिव तो इसी सेशन में आपको मिल गया, मैं कोशिश करूंगा कल का जो मेरा सेशन हो उसमें नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब तीनों को एक साथ फिर से मैं दे दूं, ताकि वहां फिर से आपका टोटल क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए, ठीक है। देख लीजिएगा, रिक्वेस्ट भी होगा, सजेशन भी होगा, आप तैयार करें बच्चों, क्योंकि आगे अब धीरे धीरे आपके एसएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, और जो भी बच्चे एसएससी के प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लीज प्लीज आप उन्हें बताते रहें कि संतोष सर का एडिटोरियल रेगुलर वो पढ़ें, घंटा भर के आसपास केवल दें, और देखें हर चीज में उनके बहुत सुधार हो जाएगा, स्पेशली जिन वर्ड्स को लेकर हमेशा वो डरते थे वो चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी, लेकिन तभी जब वो रेगुलर करें, मेरे में विश्वास करें, और ये नहीं कि एक दिन पढ़े अरे यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं, रेगुलर बच्चों कहते हैं ना मैनी मेकल मेक अ मकल, बूंद बूंद से सागर बन जाएगा, धीरे धीरे आप मेहनत करेंगे, चीजें जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे होंगे निश्चित ही वो शेयर करें कि क्या उन्हें फायदा हो रहा है कि नहीं, तो वैसे जो बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हो वो जरूर समझें कि तुरंत नहीं मिलेगा, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे,
इट टुक अ लॉट ऑफ डेज, उसमें बहुत दिन लगे थे बच्चों, तो वैसे यहां भी है, अगर आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, कंपटीशन निकालना चाहते हैं, तो समय अपना थोड़ा सा दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं समय का ध्यान रखते हुए, और ये वोकैब का सेक्शन आपका पहला वर्ड है फार साइटेड। साइट समझते होंगे, दृश्य को कहते हैं, साइटेड एडजेक्टिव हो जाएगा। फार मीन्स दूर, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दूर की चीजों को देख लेता हो, समझ लेता हो, वो फार साइटेड है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो देख ले कि आगे भविष्य में क्या हो सकता है, इन द फ्यूचर क्या हो सकता है, एंड मेकिंग प्लान्स फॉर इट, और उसकी योजनाएं भी बना लेता हो, वो फार साइटेड है। यानी वो भविष्य के लिए आवश्यकता अनुसार योजनाएं बनाने में क्या है, समर्थ है, और इसीलिए क्या है, वो दूरदर्शी, अर्थात दूर की चीजों के दर्शन पहले कर लेता है, उन्हें समझ लेता है और प्लानिंग भी कर लेता है। मीन्स वो क्या है, फार सीइंग है, फोर हैंडेड है, फोर सीइंग है, या फोर साइटेड है। मीन्स क्या है, वो फार साइटेड है, दूरदर्शी। आप भी फार साइटेड बनिएगा, दूरदर्शी बनिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लैश आउट। यहां जो लैश आउट है उसका जो अर्थ दिया गया है, जोर से मारना, यानी किसी को हिट करना या किक आउट करना, ये इस सेंस में। लेकिन इस एडिटोरियल को जब आप पढ़ेंगे तो यहां जो लैश आउट का सेंस है बच्चों, वो ये है आपका क्रिटिसाइज है, मीन्स आलोचना करने के सेंस में है। दोनों होता है लैश आउट में, यहां एक आपको दिया गया है। तो लैश आउट, जोर से मारना, हिट आउट करना, स्ट्राइक करना, लेट फ्लाई करना, टेक अ स्विंग करना, अटैक करना, वे इंटू करना, टीयर इंटू करना, पिच इंटू करना, मीन्स किसी को जोर से क्या करना, हिट करना या किक आउट करना, ठीक है। याद हो जाएगा, लैश आउट में जोर से मारना भी होता है और किसी को क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना भी होता है। अगर आपको ये वर्ड याद हो, याद होगा शायद आपको, कॉल आउट करना, या दूसरे सेंस में अगर हम लें तो थोड़ा बहुत ये भी मिलेगा बच्चों आपको, किसी को फ्लैग करना, ठीक है। डूम्ड टू फेल, इस शब्द को समझे बच्चों, एडजेक्टिव के रूप में है। डूम मीन्स क्या होता है पता है, भाग्य। डूम्ड टू फेल, जिसके भाग्य में ही लिखा हो कि वो असफल हो जाएगा, अर्थात वो व्यक्ति क्या होगा, दुर्भाग्यशाली होगा। तो डूम्ड टू फेल, जिसके भाग्य में लिखा हो कि असफल है, अर्थात वो इल फेटेड है, अर्थात बुरे भाग वाला है। रेक्ड है, बुरे भाग, दुर्भाग्यशाली है। कर्ष्ड है, शापित है, दुर्भाग्यशाली है। डिस्ट्रॉयड है, नष्ट होने के लिए वो तैयार है। तो डूम्ड टू फेल कहीं है, मीन्स जिसके भाग में ही नष्ट हो जाना लिखा है, वो डूम्ड टू असफल हो जाना लिखा है, वो डूम्ड टू फेल हो जाएगा। कम्युनिक, ये क्या है बच्चों, बहुत बार क्या होता है, मीडिया के सामने जो सरकार है, मीन्स जो गवर्नमेंट होती है, अगर कोई अपनी विज्ञप्ति जारी करती है तो वो उसके अनुसार एक कम्युनिक होता है। मीन्स क्या होता है, सरकार के या राजनीतिक दल आदि के द्वारा जारी विज्ञप्ति होती है, या आधिकारिक वक्तव्य होता है, या अगर हिंदी में और हम कहें तो ये हो जाएगा शासकीय सूचना हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शासकीय सूचना, मीन्स कोई शासन की तरफ से जो नोटिस दिया जाता है, सूचना दी जाती है, वो आपकी कम्युनिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है समिट। समिट दो होता है, एक चोटी होती है, समझते होंगे पैरामाउंट के सेंस में, जेनिथ के सेंस में, और भी आप जानते होंगे एक्मे के सेंस में, पीक के सेंस में। तो समिट का एक दूसरा भी अर्थ होता है, जो शिखर सम्मेलन होता है राष्ट्रों के बीच में, बड़े बड़े राष्ट्रों के बीच में, उसे भी समिट कहते हैं। यानी एक ऐसी मीटिंग जो सरकारों के बीच में, उनके मुखिया के बीच में होता है, उसे हम समिट कहते हैं। ये एक प्रकार का नेगोशिएशन होता है, वार्ता होती है, एक कॉन्फ्रेंस है, सम्मेलन होता है, एक डिस्कशन है, एक चर्चा है, एक कॉन्क्लेव है, सम्मेलन है, एक कंसल्टेशन है, एक चर्चा का विषय है, डिलिब्रेशन है, एक बहस है, चर्चा है, डायलॉग है, मीन्स कहीं कहीं चर्चा हो रही है, वार्ता हो रही है, पार्ले हो रहा है, उस पर शास्त्रार्थ हो रहा है, बहस हो रही है, कलुक्वी हो रही है, उन पर बातचीत हो रही है, कॉन्फेव हो रहा है, मीन्स आपस में बातचीत कर रहे हैं, पोवो हो रहा है, मीन्स बातचीत करें, वर्ष तैयार कर लिए, कॉन्फेव, पोवो वगैरह काम आएगा आपके, ठीक है। तो कहीं पर भी समिट हो रहा है तो जो सरकार के मुखिया होते हैं उनके बीच में जो सम्मेलन होते हैं वो समिट कहलाता है। एनेक्सेशन आपने पहले भी पढ़ा था, समामेलन, अर्थात जब किसी एक क्षेत्र को आप किसी दूसरे क्षेत्र से जबरदस्ती या फिर बिना परमिशन के आप मिलाने की कोशिश करते हैं,
तो आप उन्हें एनेक्स करते हैं और ऐसे नाउन के रूप में इसे क्या कहते हैं हम, एनेक्सेशन। ध्यान से देखें बच्चों, टी आई ओ एन है ना, तुरंत कह दें क्या है आपका, नाउन हो जाएगा। तो एनेक्सेशन मिलाने का कार्य। लास्ट वर्ड आउटडेटेड, जो शब्द डेट से बाहर हो चुका हो वो शब्द क्या हो गया है, पुराना, अप्रचलित हो गया है, मीन्स क्या हो गया है, वो ओल्ड फैशन हो चुका है, आउटमोडेड हो चुका है, अनफैशनेबल हो चुका है, मीन्स क्या हो गया है, वो अप्रचलित, पुराना हो गया है। तो आउटडेटेड जो प्रचलन से बाहर हो, ठीक है। और ये आपका एडिटोरियल है 7 to 11 ऑन इंडिया एंड G7। बच्चों मैं वही एडिटोरियल चूज करता हूं जिसमें आपका फायदा हो, जिसे आप समझ सकते हो अच्छे से, आपके वर्ड्स उसमें काम आते हो एग्जाम्स में, स्पेशली SSC बैंक वगैरह में, वो एडिटोरियल मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो ये एडिटोरियल है आपका 7 to 11, यानी 7 से 11। क्या 7 से 11? यानी G7 जो ग्रुप 7 है, बड़े देशों का, रिच कंट्रीज का, उनका अब 7 देशों के समूह से प्रस्ताव है कि उन्हें क्या कर दिया जाए, 11 देशों में परिवर्तित कर दिया जाए। दिस इज द हेडिंग 7 to 11 ऑन इंडिया एंड G7, यानी किस पर है आपका, भारत और G7 पर ये एडिटोरियल है। इंडिया डिजर्व्स इट्स प्लेस ऑन द ग्लोबल स्टेज, बट ऑन G11 इट मस्ट बी क्लियर अबाउट इट्स एम्स। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं, कौन कौन से शब्द हैं। इंडिया आप जानते हैं, यहां पे नाउन है आपका, सब्जेक्ट है। इंडिया डिजर्व्स सिंगुलर है, तो डिजर्व में एस जोड़ दिया गया, मींस क्या हो गया है आपका, वर्ब हो गया। तो इंडिया डिजर्व्स इट्स आप जानते हैं, यहां पे पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये प्रोनाउन नहीं बच्चों, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये प्लेस नाउन के पहले आपने यूज किया, ठीक है, प्लेस क्या है, नाउन हो जाएगा यहां पे आपका। आन आप जानते हैं, यहां प्रीपोजिशन है। द ग्लोबल स्टेज, तो स्टेज यहां क्या है, नाउन, तो फिर ग्लोबल, ग्लोब प्लस एल, देखें ध्यान से, एल है ना, ग्लोब प्लस एल, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव, और द क्या हो जाएगा, डिटर्मिनर या आर्टिकल हो जाएगा। यहां पर देखिए बच्चों, स्टेज लास्ट में देखें क्या लिखा है, AZE, तो आप कह सकते हैं एक नाउन है आपका, याद हो अगर आपको, बट आप जानते हैं कंजंक्शन है, आन भी आप जानते हैं, प्रीपोजिशन है। G11 ये क्या है, देशों के लिए यूज किया गया है, तो अगर देशों के लिए G11 है, किस रूप में काम कर रहा है, नाउन के रूप में काम कर रहा है। इट यहां क्या है, इसके बाद देखिए मस्ट है, यानी वर्ब है, इसका मतलब ये इट यहां क्या है आपका, प्रोनाउन के रूप में है, पर्सनल प्रोनाउन का थर्ड पर्सन, सिंगुलर हमेशा यूज होता है। मस्ट यहां क्या आपका है, हेल्पिंग वर्ब, यानी मॉडल के रूप में है। तो बी यहां क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी। क्लियर आप जानते हैं, क्लियर क्या यहां पे है, बी के बाद अगर क्लियर है, इसका मतलब एडजेक्टिव है। अगर ये पैसिव वैश होता या क्लियर्ड होता, इसका मतलब ये एडजेक्टिव के रूप में है, न कि वर्ब के रूप में है। अबाउट आप जानते हैं यहां क्या है, प्रीपोजिशन है, क्यों, क्योंकि इसके बाद देखिए नाउन फ्रेज है ना आपका, अबाउट के बाद, तो ये आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। एम्स क्या होता है, आपका लक्ष्य क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो अगर ये नाउन है तो इट्स फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। बच्चों मेहनत करें, धीरे धीरे चीजें आपकी आसान हो जाएंगे, लेकिन हमेशा याद रखें कि चीजें तुरंत नहीं आसान होंगी, आप कहीं ना कहीं रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, सारी चीजें आपको शो करनी होंगी। इंडिया डिजर्व्स, डिजर्व मीन्स किसी चीज के काबिल होना, योग्य होना, किसी चीज का अधिकार रखना। इंडिया डिजर्व्स इट्स प्लेस ऑन द ग्लोबल स्टेज, यानी भारत डिजर्व करता है, यानी भारत काबिल है, भारत योग्य है, इट्स प्लेस उस स्थान के लिए, अपने उस स्थान के लिए ऑन द ग्लोबल स्टेज, यानी वैश्विक मंच पर, यानी वैश्विक मंच पर स्थान, अपने स्थान के लिए भारत कहीं कहीं डिजर्व करता है, यानी जो स्थान वैश्विक मंच पर आज भारत को मिल रहा है, उसको भारत कहीं कहीं उसके योग्य है, उसके काबिल, उसका पात्र है वो, बट लेकिन ऑन G11, लेकिन G11 की अगर हम बात करें तो इट किसके लिए है, भारत के लिए। भारत को मस्ट बी क्लियर, बिल्कुल अस्पष्ट होना चाहिए अबाउट इट्स एम्स। इट्स किसके लिए है, इट के लिए, यानी इंडिया के लिए। तो इट मस्ट बी क्लियर अबाउट इट्स एम्स। जहां तक G11 की बात है, ग्रुप 11 की बात है, तो भारत को अपने लक्ष्यों के बारे में बिल्कुल क्या रहना चाहिए, मस्ट बी क्लियर
अस्पष्ट रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये अगर पूरा एडिटोरियल आप पढ़ेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कहीं ना कहीं ये सजेस्टिव है आपका, यानी लेखक जो है वो भारत को कई मामलों में सुझाव दे रहे हैं कि हाँ क्या भारत को करना चाहिए, तब जब एक ऐसी स्थिति है जहां पे डोनाल्ड ट्रंप जो अभी 4-5 महीनों के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, क्योंकि वहां नवंबर में क्या होने वाले हैं, चुनाव इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके बाद अब देखिए क्या होता है। तो अभी उनका एक प्रपोजल है विश्व के देशों को, स्पेशली जो G7 है, ठीक है, इन G7 के देशों के साथ वो चाहते हैं कि अगर सितंबर में एक समिट होता है, एक शिखर सम्मेलन होता है, तो उसमें चार और देशों को, G7 में चार और देशों को इस नए सिनेरियो में, नए परिदृश्य में शामिल कर लिया जाए। उसमें भारत है, इंडिया, रशिया यानी रूस है, साउथ कोरिया है और ऑस्ट्रेलिया है। ये चारों देशों को उन्होंने एक प्रपोजल दिया है कि हम आपको G7 में शामिल करना चाहते हैं, ताकि G7 जो है अब वो G11 हो जाए, क्योंकि कोरोना वायरस का ये जो इम्पैक्ट होना है, इसके बाद जो चेंज्ड सिनेरियो होगा पूरे वर्ल्ड का, उसमें G11 की भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर वो ऐसा करना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप यदि चार और देशों को G7 में शामिल करना चाहते हैं, तो उन्हें ये याद रखना होगा कि वो ऐसा तभी कर पाएंगे जब ये चारों देश अपनी सहमति दें, ठीक है, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं शायद वो सबसे बड़ा एक ऑब्स्ट्रक्शन बन सकते हैं, एक इंडियन डेडलॉक बन सकते हैं, मींस क्या बन सकते हैं, एक बॉटलनेक बन सकते हैं, मींस कोई रोड़ा, कोई अवरोध बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो इसमें तभी शामिल होंगे जब बच्चों, जब उन्हें एक इक्वल रैंक का दर्जा दिया जाए, यानी उन्हें भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह अगर या अमेरिका की तरह दर्जा दिया जाए, तभी वो G11 में शामिल हो सकते हैं। दूसरी चीज जो इंडिया को समझनी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से खुन्नस के कारण, यानी उसे कहीं कहीं डिफरेंसेस के चलते, मतभेदों के चलते इस लिस्ट से बाहर कर दिया, मीन्स आमंत्रित इनवाइटी की लिस्ट में नहीं शामिल किया है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर भारत इस ग्रुप में शामिल होता है तो ठीक है, चीन के साथ भारत के तनाव हैं, डिफरेंसेस हैं, बॉर्डर टेंशंस हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं कहीं चीन को लगेगा कि भारत ने एक द्विपक्षीय जो समझौते हैं, जो उनके बाइलेटरल रिलेशंस हैं, उसको कहीं कहीं इग्नोर किया, और इससे चीन के साथ भारत के रिश्ते और अधिक खराब होंगे, क्योंकि चीन कहीं कहीं अमेरिका से दूर जा रहा होगा, तो जब चीन को लगेगा भारत अमेरिका की तरफ ही बढ़ता जा रहा है, कहीं कहीं जो थोड़े बहुत गुंजाइश है डिफरेंसेस को कम करने का, वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इंडिया को यानी भारत सरकार को, केंद्र को, ये सब कुछ ध्यान में रखने की क्या है, जरूरत है। ठीक, चलिए देखते हैं बच्चों। डिसमिसिंग द करेंट कॉन्फिगरेशन, जैसे कॉन्फिगरेशन में आप TION देखा तुरंत समझ जाए नाउन है, ठीक है, डिसमिसिंग जैसे ING आपने देखा तुरंत समझ जाए या तो ये वर्ब के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा या किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में जीरंड होगा, ये डिपेंड करेगा कि क्या वो कार्य हो रहा है या फिर वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। डिसमिसिंग द करेंट कॉन्फिगरेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ सेवन आर G7 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेवलप्ड नेशंस एज आउटडेटेड, US President Donald Trump announced over the weekend that he would like to expand it to a G11 by adding India, Russia, South Korea and Australia. Dismissing, yani dismiss karte hue, kharis karte hue, kis cheez ko, the current configuration of the group of 7 or G7 of the world's most developed nations as outdated. यानी अगर ये जो G7 है, यानी ग्रुप ऑफ 7 या G7 की जो कॉन्फ़िगरेशन है, यानी इसकी जो बनावट है, इसकी जो संरचना है, कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं, मोबाइल का कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो जो कंपोनेंट्स उसमें होते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, तो ग्रुप 7 या G7 का जो कॉन्फ़िगरेशन, उसकी जो बनावट, जो व्यवस्था है, जो संरचना है, वो क्या हो चुकी है, जो कौन सा ग्रुप 7 बच्चों, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेवलप्ड नेशन, यानी G7 जो विश्व के सबसे अधिक विकसित राष्ट्रों का एक ग्रुप है, उस ग्रुप को एज
आउटडेटेड, क्या कहना कि यह आउटडेटेड हो चुका है, अब फैशन से यानी प्रचलन से बाहर हो चुका है, यानी एक तरह से उपयोग से बाहर हो चुका है। इस चीज को यानी इस बाहर कर देने की बात को डिसमिसिंग, क्या करते हुए, खारिज करते हुए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, देखिए यूएस के पहले द नहीं लगा, क्यों, क्योंकि प्रॉपर नाउन, इस चीज को खारिज करते हुए यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसड, पास्ट इंडिफरेंट हो जाएगा ना, उन्होंने घोषित किया ओवर द वीकेंड, ओवर यहां पे के दौरान, यानी इस सप्ताहांत के दौरान, यानी शनिवार रविवार को उन्होंने घोषित किया दैट की ही वुड लाइक, जहां भी आई वुड लाइक, ही वुड लाइक, यानी इच्छा प्रकट करना, उन्होंने ये घोषित किया दैट की ही वुड लाइक, वो चाहेंगे टू एक्सपेंड, क्या करना, विस्तार करना इट ग्रुप 7 का टू अ G11, किसमें, ग्रुप 11 में, यानी उन्होंने क्या किया कि जब ग्रुप 7 को, जिसमें विश्व के सबसे अधिक विकसित राष्ट्र हैं, उसे आउटडेटेड कहा गया, मीन्स कहा गया कि अब इसका कोई उपयोग नहीं है, यूज नहीं है, तो इसे इस संभावना को खारिज करते हुए, यानी इस बात को खारिज करते हुए कि G7 आउटडेटेड हो चुका है, इस चीज को खारिज करते हुए यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि उन्होंने घोषित किया इस वीकेंड के दौरान कि वो ये चाहेंगे कि G7 को बढ़ाकर क्या कर दिया जाए, अब G11 करना पसंद करेंगे, कैसे, बाय एडिंग, बाय प्रीपोजिशन है तो वर्ब में ing, बाय एडिंग इंडिया, कैसे, शामिल करके, किसको शामिल करके, भारत को, रूस को, साउथ कोरिया को और ऑस्ट्रेलिया, समझ रहे होंगे, यानी उन्होंने कहा हम G7 को G11 में बढ़ाना चाहते हैं ताकि हम इसमें भारत, रूस, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया क्या कर लें, शामिल कर लें, तो जो G7 है वो G11 बन जाए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, जब चीन ने एक्चुअली ये कहा कि ये जो G7 है वो आउटडेटेड हो चुका है, इस संभावना को डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया और कहा कि हम G7 को क्या बना सकते हैं, G11 बना सकते हैं, ठीक है। He means Donald Trump. He followed that up. जब आप किसी कार्य, कोई आपने पहले कुछ कहा हो और उस कहने के बाद आप उस पर कार्य भी करते हो तो follow up करते हैं। Follow up means एक तरह से अपने पीछे कही गई बात को आगे बढ़ाना। तो that किसके लिए है? जो उन्होंने कहा था। यानी he followed that up। यानी इस बात को उन्होंने आगे भी बढ़ाया, इस पर कार्य करना भी शुरू कर दिया। कैसे? विद invitations, यानी उन्होंने आमंत्रण भेज दिया टू their leaders, उनके नेताओं को, किनके नेताओं को, इंडिया के, रूस के, साउथ कोरिया के और ऑस्ट्रेलिया को, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंक्लूडिंग तो आसान हो गया होगा, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी सहित उन्होंने इन चारों देशों के नेताओं को invitations भेज करके क्या किया, इस बात को और आगे बढ़ाया, अर्थात इस पर कार्य करना भी क्या कर दिया, शुरू कर दिया। टू अटेंड, किस लिए उन्होंने इन्विटेशंस भेजे, टू अटेंड, देखिए इन्विटेशंस के साथ क्या लगाया गया, टू अटेंड, ठीक है, टू अटेंड द G7 समिट, उन्होंने इसलिए भेजा ताकि ये नेता जो चारों हैं ये G7 की समिट, शिखर सम्मेलन को अटेंड करें, उसमें शामिल हो, इन द US, जो शिखर सम्मेलन कहां होने वाला है, अमेरिका में, यहां देखिए US केवल नाउन के रूप में था इसलिए द लग गया, US में जो होने वाला था लेटर दिस ईयर, यानी इस साल, लेटर यानी उत्तरार्ध में कुछ समय बाद, जो अमेरिका में समिट होने वाले G7 के, उसमें अटेंड होने के लिए उन्होंने चारों नेताओं को क्या भेजा, इनविटेशंस, निमंत्रण पत्र भेजे, कौन से चार नेता, इंडिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया, ओके। द न्यूज वॉज वेलकम्ड बाई मिस्टर मोदी, और ये समाचार, कौन सा समाचार, कि G7 को क्या किया जाएगा, G11 में कन्वर्ट किया जाएगा, ये समाचार जो था वॉज वेलकम्ड, क्या किया गया, इसका स्वागत किया गया, पैसिव एक्शन, द न्यूज वॉज वेलकम्ड बाई मिस्टर मोदी, यानी मिस्टर मोदी के द्वारा इस समाचार का स्वागत किया गया। बच्चों अगर आप इसे चाहें तो आराम से एक्टिव एक्शन बदल सकते हैं, कैसे, मिस्टर मोदी वेलकम्ड द न्यूज, ऐसे हो जाए, कोई भी वाज वर्ब जो होता है एक्टिव में पास्ट इंडिफरेंट पे आ जाता है, कोई भी इज एमआर जो होता है वो प्रेजेंट इंडिफरेंट पे आ जाता है, ऐसे याद होगा ना। चलिए, हु जो, कौन जो, मिस्टर मोदी, हु कमेंडेड, याद है कमेंड मीन्स पास्ट इंडिफरेंट में प्रशंसा करना, ठीक है, जिन्होंने प्रशंसा की
मिस्टर ट्रंप, जब भी आप कमेंड का प्रयोग करें, रिक्वेस्ट का प्रयोग करें, एडवाइस का प्रयोग करें, अर्ज का प्रयोग करें, आर्डर का प्रयोग करें, कमांड का प्रयोग करें, आस्क्ड का प्रयोग करें, टोल्ड का प्रयोग करें, इन सब के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट से पहले कोई प्रीपोजिशन न लें एक्टिव वॉइस में, ठीक है। तो इस समाचार का मिस्टर मोदी के द्वारा स्वागत किया गया, हु कमेंडेड मिस्टर ट्रंप, जिन्होंने मिस्टर ट्रंप की क्या की, प्रशंसा की फॉर हिज क्रिएटिव एंड फार साइटेड डिसीजन। किस चीज के लिए प्रशंसा की, फॉर हिज क्रिएटिव, उनके क्रिएटिव, उनके रचनात्मक एंड, जैसे आईवी देखा ना, तुरंत समझ जाए क्या है एडजेक्टिव, तो एंड के बाद भी जब भी आएगा एडजेक्टिव ही आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि एंड से पहले एडजेक्टिव है तो एंड के बाद भी क्या आएगा, एडजेक्टिव है। तो मिस्टर मोदी ने मिस्टर ट्रंप की प्रशंसा की फॉर हिज क्रिएटिव एंड फार साइटेड डिसीजन, यानी उनके रचनात्मक और दूरगामी, फार साइटेड दूरदर्शी, दूरगामी, उस दूरदर्शी निर्णय की मिस्टर ट्रंप के लिए मिस्टर मोदी ने क्या की, प्रशंसा की। कौन सा निर्णय, टू एक्सपेंड द फॉर्मेट ऑफ द ग्रुपिंग, कि उस ग्रुपिंग का जो फॉर्मेट है, उसका जो प्रारूप है, उसे मिस्टर ट्रंप क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, किस लिए, टू कीप अप विद, कीप अप विद मीन्स होता है किसी चीज की बराबरी करना, कोई प्रोग्रेस है, कोई प्रोसेस है, आप उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो आप कीप अप विद करते हैं, ठीक है। यानी इस कदम के लिए, जब साथ चलने के लिए, मतलब उन्होंने उस ग्रुप को बढ़ाने की बात की, तो मिस्टर मोदी ने मिस्टर ट्रंप की क्या की, प्रशंसा की, टू कीप अप विद द न्यू रियालिटीज ऑफ द पोस्ट कोविड वर्ल्ड। चीजें घाल मेल हो गई, हाच पाच हो गई, तो मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं बच्चों, देखें। द न्यूज वॉज वेलकम्ड बाय मिस्टर मोदी, यानी समाचार का मिस्टर मोदी के द्वारा स्वागत किया गया। कौन समाचार, कि डोनाल्ड ट्रंप G7 को G11 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हु, जो मिस्टर मोदी कमेंडेड मिस्टर ट्रंप, उन्होंने मिस्टर ट्रंप की प्रशंसा की फॉर हिज क्रिएटिव एंड फार साइटेड डिसीजन, किस चीज के लिए, उनके उस रचनात्मक और दूरदर्शी निर्णय के लिए। कौन सा निर्णय, टू एक्सपेंड द फॉर्मेट ऑफ द ग्रुपिंग, कि उस ग्रुप का जो फॉर्मेट, उसका जो प्रारूप है, उसे डोनाल्ड ट्रंप क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, किस लिए, टू कीप अप विद द न्यू रियालिटीज, ताकि जो नई आवश्यकताएं, नई वास्तविकताएं आ रही हैं, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चला जा सके ऑफ द पोस्ट कोविड वर्ल्ड। किस चीज के साथ कदम से कदम मिलाया जा सके, जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड होगा, यानी इस कोरोना वायरस का जो प्रकोप है, इसके बाद का जो संसार होगा, उसकी वास्तविकताओं से कदम मिलाकर चलने के लिए, जो उस ग्रुप को बढ़ाने का, उस फॉर्मेट को बढ़ाने का डोनाल्ड ट्रंप का डिसीजन है, इसका मिस्टर मोदी ने क्या किया, वेलकम किया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया हैव आल्सो वेलकम, ये देखिए एक्टिव वॉइस, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन तो है नहीं, एक्टिव वॉइस, यानी ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया ने भी क्या किया है, हैव आल्सो वेलकम्ड, इन्होंने भी स्वागत किया है द इनविटेशन, किससे, इसका, उस निमंत्रण का। वाइल, वाइल मीन्स जबकि रशिया, वो रूस दैट लॉस्ट इट्स मेंबरशिप ऑफ द ग्रुपिंग इन 2014, जिसने G7 की जो मेंबरशिप थी, सदस्यता थी, उसने खो दी थी ऑफ द ग्रुपिंग इन 20, कब, 2014 में, यानी लेकिन जो रूस है, जिसने 2014 में ग्रुप की सदस्यता खो दी थी ओवर इट्स एनेक्सेशन, किस चीज को लेकर के, अपने महामिलन को लेकर के ऑफ क्रीमिया, किस चीज से, क्रीमिया, जानते होंगे उनका स्टेट था, यानी क्रीमिया के साथ एनेक्सेशन को लेकर के, जब 2014 में उस ग्रुप से रूस बाहर निकल गया था उस सदस्यता से, तो वो रूस जो है सेड, उस रूस ने कहा, क्या कहा, कि प्रेसिडेंट पुतिन वुड अटेंड, कि प्रेसिडेंट पुतिन इस मीटिंग को, शिखर सम्मेलन को अटेंड करेंगे, उस समिट को अटेंड करेंगे इफ ट्रीटेड, यानी इफ ही वाज ट्रीटेड एज एन इक्वल, यदि उन्हें समान रूप में उनके साथ ट्रीटेड, क्या किया जाता है, व्यवहार किया जाता है, यदि उन्हें समान दर्जा दिया जाएगा तो इस समिट को वुड अटेंड, वो क्या करेंगे, शामिल होंगे उसमें, ऐसा रूस ने कहा। कौन रूस,
जिसने 2014 में उस ग्रुपिंग की सदस्यता को क्या कर दिया था, लॉस्ट, खो दिया था, क्योंकि क्रीमिया का रूस के साथ एनेक्सेशन को लेकर के जो विवाद था उसके चलते। ठीक है, नोटेबल यानी जो चीज ध्यान देने योग्य है, बाई इट्स एब्सेंस, किस चीज के चलते, अपनी अनुपस्थिति के चलते, यानी अपनी अनुपस्थिति के द्वारा जो नोटेबल है, ध्यान देने योग्य है, इन द प्रपोज्ड ग्रुपिंग, इस प्रस्तावित समूह में, यानी इस प्रस्तावित समूह में जो अपने एब्सेंस के चलते नोटेबल है, इज चाइना, वो कौन है, चीन है। यानी इस प्रपोज्ड ग्रुपिंग में चीन एब्सेंट रहेगा, यानी उसकी अनुपस्थिति रहेगी, जिसके चलते कहीं कहीं वो नोटेबल रहेगा, ध्यान देने योग्य रहेगा। क्यों? क्योंकि वो चीन विच हैड अर्लियर एलॉन्ग विद इंडिया, ब्राजील, मैक्सिको एंड साउथ कोरिया, यानी भारत के साथ, ब्राजील के साथ, मैक्सिको के साथ और साउथ अफ्रीका के साथ विच हैड अर्लियर बीन इन्वाइटेड, उससे पहले क्या किया जाता था, आमंत्रित किया जाता था रेगुलरली, नियमित रूप से, रेगुलर प्लस एलवाई एडवर्ब हो जाएगा, नियमित रूप से आमंत्रित किया जाता था टू, देखिए इनवाइटेड के साथ क्या लगा है, टू, कहां आमंत्रित किया जाता था, G8 समिट्स में, एज एन आउटरीच, किस रूप में, एक ऐसे देश के रूप में जो आउटरीच है, जिसने पीछे छोड़ दिया है बाय द डेवलप्ड वर्ल्ड, किसके द्वारा, इस डेवलप्ड संसार के द्वारा, टू द फाइव इमर्जिंग इकोनॉमीज, यानी पांच जो सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें उसने दूसरे देशों को कहीं कहीं आउटरीच कर दिया था, कॉल्ड द G8+5, जिसे G8+5 के नाम से जाना जाता है, उसमें चीन को, इंडिया को, मैक्सिको को और साउथ अफ्रीका को रेगुलरली किया जाता था, इनवाइट किया जाता था। ठीक है, लेकिन इस ग्रुप में जो प्रपोज्ड ग्रुपिंग है इसमें वो एब्सेंट रहेगा, जिसकी वजह से कहीं कहीं नोटेबल होगा, ध्यान देने योग्य होगा। यूएस चाइना टेंशंस, यानी अमेरिका और चीन में जो टेंशंस हैं, जो तनाव है, पर्टिकुलरली ओवर कोरोना वायरस इश्यूज, ओवर यहां को लेकर के, यानी कोरोना वायरस के जो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, इनको लेकर के, विशेष रूप से इनको लेकर के जो अमेरिका और चीन के बीच में टेंशंस हैं, क्लियरली उन टेंशंस ने क्लियरली प्लेड अ पार्ट, कहीं कहीं इन टेंशंस ने अपनी भूमिका अदा की है इन मिस्टर ट्रंप्स डिसीजन, किस चीज में, मिस्टर ट्रंप के उस निर्णय में टू लीव चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ऑफ, लीव ऑफ मीन्स हटा देना, यानी कौन सा निर्णय, टू लीव चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ऑफ हिज समिट गेस्ट लिस्ट, शिखर सम्मेलन की जो गेस्ट लिस्ट है उसमें से चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के नाम को लीव ऑफ क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। इस निर्णय के पीछे, मिस्टर ट्रंप के इस निर्णय के पीछे कहीं कहीं यूएस चाइना का जो टेंशंस है उसने महत्वपूर्ण भाग अदा किया है, रोल अदा किया है। जो टेंशन किस लिए है, कोरोना वायरस इश्यूज को लेकर के हैं। ठीक है, यानी कोरोना वायरस इश्यूज को लेकर के यूएस और चाइना में क्या है, टेंशंस हैं, जिनकी वजह से क्या हुआ, मिस्टर ट्रंप ने ऐसा निर्णय लिया जिसमें उन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग का जो नाम था वो समिट गेस्ट लिस्ट से क्या कर दिया, लीव ऑफ अर्थात हटा दिया। और व्हाइट हाउस स्पोक्स पर्सन मीन्स यहां पर क्या हो जाएगा, प्रवक्ता। ये ए जो है बच्चों, ये व्हाइट हाउस के लिए नहीं लगा, ये तो प्रॉपर नाउन है, ये किसके लिए लगा, इस कॉमन नाउन स्पोक्स पर्सन के लिए। ठीक है, और व्हाइट हाउस स्पोक्स पर्सन यानी व्हाइट हाउस के जो प्रवक्ता हैं, इवन एक्सप्लेन, उन्होंने यहां तक एक्सप्लेन किया, समझाया क्या, दैट की द G11 वुड बी अ वे, यानी G11 जो होगा वो एक ऐसा रास्ता होगा, एक ऐसा तरीका होगा फॉर द यूएस, किसके लिए, अमेरिका के लिए, टू ब्रिंग टूगेदर इट्स ट्रेडिशनल एलाइज, ताकि यह अपने पारंपरिक एलाइज, एलाइज मीन्स सहयोगी, संबंधी यानी सहयोगी देश, यानी यह जो G11 है
वुड बी अ वे, यह एक ऐसा तरीका, ऐसा रास्ता होगा फॉर द यूएस, अमेरिका के लिए, टू ब्रिंग टूगेदर इट्स ट्रेडिशनल एलाइज, ताकि यह अपने सहयोगियों को साथ ले आ सके, पारंपरिक सहयोगियों को साथ ले आ सके, टू टॉक अबाउट, किस चीज के बारे में बात करने के लिए, कि हाउ टू डील विद द फ्यूचर ऑफ चाइना, कि चीन के भविष्य के साथ किस तरीके से निपटना, यानी चीन पर किस तरीके का फ्यूचर में रवैया अख्तियार करना है, इस चीज पर बात करने के लिए जो अमेरिका के पारंपरिक दोस्त हैं, सहयोगी हैं, उनको एक साथ ले आना भी G11 क्या बन सकता है, एक रास्ता बन सकता है, एक माध्यम बन सकता है। लेकिन अमेरिका को याद रखना होगा कि एक समय आएगा जहां चाइना अमेरिका का भविष्य तय करेगा, न कि अमेरिका चीन का भविष्य तय करेगा। मेरी बात याद रखेगा। देखें, प्रेडिक्टिवली यानी इस चीज के बारे में कहीं कहीं प्रेडिक्शन किया जा सकता है, यानी कहीं कहीं ये संभावित है क्या कि बीजिंग हैज लैश्ड आउट एट द G11 आइडिया। आइडिया मतलब विचार, कौन सा विचार, G11 का। G11 के विचार को बीजिंग ने, चीन ने, हैज लैश्ड आउट, क्या कर दिया है, उसकी निंदा की है, एक तरह से उसकी आलोचना की है, क्या कह करके, एज कि ये जो G11 है, वन एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा विचार है दैट वुड बी डूम्ड टू फेल, यानी जो निश्चित ही क्या हो जाना है, असफल हो जाना है। यानी चीन ने आलोचना करते हुए कहा है कि G11 का जो आइडिया, जो विचार है, निश्चित ही डूम्ड टू फेल, वो क्या हो जाएगा, विचार खराब हो जाएगा, अर्थात असफल हो जाएगा, अर्थात G11 वास्तव में ठीक से अस्तित्व में नहीं आ पाएगा। ये कहते हुए बीजिंग ने इस आइडिया की क्या की है, आलोचना की। कौन सा आइडिया, G11 का आइडिया। द प्रपोज्ड G11 ग्रुपिंग, यानी जो प्रस्तावित G11 का समूह है, वुड रिकॉग्नाइज, यानी वो कहीं कहीं मान्यता देगा, यानी एक तरह से पहचान देगा इंडियाज प्लेस, भारत के स्थान को अमंगस्ट, किनके बीच में, द वर्ल्ड्स रिचेस्ट नेशंस, यानी विश्व के जो सबसे रिचेस्ट नेशन, सबसे धनी देश, देखें सुपरलेटिव डिग्री थी, इसलिए क्या लगाया गया, द, यानी विश्व के जो सबसे धनी देश हैं उनके बीच में एक भारत की पहचान बनेगी, ऐसी मान्यता देगा कौन, जो G11 का प्रस्तावित ग्रुप है। एंड और एक नॉलेज, और ये G11 ये स्वीकार करेगा, मानेगा इट्स ग्लोबल वॉयस, कि भारत अब क्या बन चुका है, एक ग्लोबल वॉयस बन चुका है, वैश्विक आवाज बन चुका है, यानी भारत जो कहेगा उसे पूरा विश्व ध्यान से सुनेगा। ये तो धीरे धीरे बच्चों आप देख रहे होंगे कई क्षेत्रों में, अभी आपने देखा चीन को कहीं कहीं 2 किलोमीटर अपनी सेना को पीछे ले जाना पड़ा, ये पहली भारत की बहुत बड़ी चीज है जो हमें आपको समझना होगा। दूसरा, WHO ने चाइना के उस दलील को खारिज कर दिया, एक तरह से उसने ओवर रूल कर दिया, जिसमें चाइना ने कहा था जो हाइड्रोक्सीक्लोरीन है उसको मान्यता न दी जाए, लेकिन WHO ने कहा कि नहीं, हम इसे मान्यता देते हैं। ये चीन की करारी हार है जो कहीं कहीं भारत को इन देशों, बड़े देशों के बीच में एक वैश्विक आवास के रूप में क्या कर रहा, स्थापित कर रहा है। However, जो भी हो, द गवर्नमेंट, अब ये देखिए सजेशन है बच्चों, जो सरकार है, मस्ट वे, वे मीन्स तौलना, किसी चीज को उसका मोल भाव करना, तौलना, अनुमान लगाना, मस्ट वे, इसी से वेट बना है नाउन के रूप में, मस्ट वे द बेनिफिट्स, नहीं सरकार को कहीं कहीं उन लाभों के बारे में सोचना चाहिए, उनका आकलन करना चाहिए, उसको तौलना चाहिए। प्रपोज्ड, कौन से लाभ, प्रपोज्ड जो प्रस्तावित है, यहां G11 में शामिल होकर के ये लाभ भारत को मिलेगा, उसके बारे में कहीं कहीं भारत को मस्ट वे इन लाभों के बारे में सोचना चाहिए। एलांग विद याद है, के साथ साथ, किसके साथ साथ, सम ऑफ द फैक्टर्स, यानी कुछ तथ्यों के साथ साथ भारत को इस चीज को, बेनिफिट्स को तौलना चाहिए, लेकिन तथ्य क्या है, दैट आर स्टिल अनक्लियर, जो तथ्य अभी भी क्या है, अनक्लियर है, अस्पष्ट है। यानी सही है कि अगर भारत G11 में शामिल होता है तो भारत को एक वर्ल्ड्स रिचेस्ट नेशंस के बीच कहीं कहीं रिकॉग्नाइज किया जाएगा, पहचान मिलेगी और एक वैश्विक आवास के रूप में इसे स्वीकार किया जाएगा, लेकिन
भारत को इन सब चीजों, इन लाभों को, प्रस्तावित लाभों के बारे में वे करते समय इसके साथ एलांग विद, इसके साथ साथ सम ऑफ द फैक्टर्स, कुछ ऐसे तथ्यों पर भी ध्यान देना चाहिए दैट आर स्टिल अनक्लियर, जो तथ्य अभी भी क्या है, अस्पष्ट है। एज अ होस्ट, एक मेजबान के रूप में मिस्टर ट्रंप कैन इनवाइट, मॉडल है ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मिस्टर ट्रंप कैन इनवाइट एनी कंट्री, मिस्टर ट्रंप किसी भी देश को क्या कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं एज अ G7 स्पेशल इनवाइटी, इनवाइटी निमंत्रण पत्र को भी कहते हैं और आमंत्रित सदस्य को भी कहते हैं, यानी एक मेजबान के रूप में मिस्टर ट्रंप जो हैं वो इनवाइट कर सकते हैं किसी भी देश को एज अ G7 स्पेशल इनवाइटी, यानी ग्रुप 7 के एक विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में किसी भी देश को मिस्टर ट्रंप इनवाइट कर सकते हैं एक मेजबान के रूप में, बट लेकिन चेंजिंग इट्स कंपोजिशन, लेकिन अगर उसके कंपोजिशन को, G7 के कंपोजिशन को, उसकी बनावट को, उसकी संरचना को अगर वो चेंज करना चाहते हैं तो विल रिक्वायर, इसके लिए जरूरत होगी द अप्रूवल, याद है ना अप्रूवल सहमति, अप्रूव प्लस AL यानी नाउन की तरह काम कर रहा है, वैसे भी आप पहचान सकते हैं क्योंकि इसके पहले द लगा है, यानी अगर उसके कंपोजिशन को, उसकी संरचना को वो चेंज करना चाहते हैं तो विल रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द अदर मेंबर्स, तो इसके लिए अन्य सदस्यों की अप्रूवल यानी उनकी सहमति, उनकी संस्तुति की भी क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। ऑलरेडी पहले से ही देयर आर सम कंसर्न्स ओवर रसा, यानी रूस को लेकर के पहले से ही सम कंसर्न्स हैं, कुछ चिंताएं हैं, मैं फिर कहूंगा बच्चों एडिटोरियल पढ़ते पढ़ते वर्ड्स बहुत ईजी हो जाएंगे, विश्वास करें आप, कुछ चिंताएं हैं विच कुड डीरेल द एंटायर G11 प्लान, जो चिंताएं कुड डीरेल, पटरी से उतार सकती हैं द एंटायर G11 प्लान, संपूर्ण G11 की योजना, G11 की जो संपूर्ण योजना है वो पटरी से उतर सकती है, यानी वो कहीं कहीं अपने रास्ता बदल सकती, खराब हो सकती है योजना, मेकिंग एनी कॉन्क्रीट डिसीजन बाय न्यू दिल्ली ऑन द इशू प्रीमैच्योर, यदि भारत मेकिंग एनी कॉन्क्रीट डिसीजन, यदि भारत कोई भी ऐसा ठोस निर्णय करता है बाय न्यू दिल्ली, मतलब भारत सरकार के द्वारा ऑन द इशू, इस मुद्दे पर प्रीमैच्योर, जो अभी प्रीमैच्योर होगा यानी कहीं कहीं समय से पहले हो जाएगा, यानी रूस जो है इस, उसकी कुछ चिंताएं ऐसी हैं रूस को लेकर के, जो चिंताएं कहीं कहीं इस G11 को, प्लान को क्या कर देगा, डीरेल कर देगा, पटरी से उतार देगा, G11 का जो प्लान है, योजना है, हो सकता है वो बिगड़ जाए, तो मेकिंग एनी कॉन्क्रीट डिसीजन बाय न्यू दिल्ली, यानी अगर दिल्ली सरकार के द्वारा यानी भारत सरकार के द्वारा अगर आप कोई ठोस निर्णय लेते हैं ऑन द इशू, इस मुद्दे पर प्रीमैच्योर, निर्णय कहीं कहीं प्रीमैच्योर होगा, अर्थात ये आपकी मैच्योरिटी नहीं शो करेगा, क्यों, क्योंकि रूस को लेकर के अभी भी कुछ चिंताएं हैं जिसकी वजह से पूरा G11 का प्लान ही क्या हो सकता है, डीरेल हो सकता है। इट इज अनक्लियर, ये अस्पष्ट है व्हेन द समिट विल एक्चुअली बी हेल्ड, वास्तव में व्हेन के साथ या इस तरह कंजंक्शन जो होते हैं इनके साथ विल नहीं आना चाहिए, बट ये मॉडर्न ग्रामर है जो इस तरह से यूज करते हैं। इट इज अनक्लियर, ये अस्पष्ट है व्हेन द समिट विल एक्चुअली बी हेल्ड, बी हेल्ड आयोजित होना पैसिव वॉइस है, अर्थात ये अभी अस्पष्ट है कि कब द समिट विल एक्चुअली बी हेल्ड, ये समिट, ये शिखर सम्मेलन कब आयोजित होगा, ये अभी अस्पष्ट है गिवेन, याद है गिवेन को ध्यान में रखते हुए, किस चीज को ध्यान में रखते हुए, गिवेन द नवंबर पोल्स इन द US, अमेरिका में जो नवंबर में चुनाव होने वाले हैं इसको ध्यान में रखते हुए अभी ये अस्पष्ट है कि ये समिट, ये शिखर सम्मेलन कब आयोजित होगा। आल्दो यद्यपि मिस्टर ट्रंप हैज इंडिकेटेड, यद्यपि मिस्टर ट्रंप ने ये सुझाव दिया है, ये इशारा किया है दैट की ही कुड होल्ड इट, यहां देखिए पैसिव था तो बी हेल्ड हो गया, लेकिन यहां कुड आ गया तो फर्स्ट फॉर्म आ गई एक्टिव वॉइस में, लेकिन ट्रंप ने ऐसा संदेश दिया, ऐसा कहीं कहीं इशारा किया है दैट की ही कुड होल्ड इट, इट किसके लिए है, समिट के लिए,
कि वह इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं क्लोज टू द यूएन जनरल असेंबली सेशन इन सितंबर, यानी सितंबर में। देखिए महीने का नाम है ना, तो इन लगा है, कह रहे सितंबर में जो सुरक्षा परिषद का सेशन शुरू होने वाला है क्लोज टू, इसी के आसपास जो है ना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो सेशन शुरू होने वाला सितंबर में, इसी के आसपास वो इस शिखर सम्मेलन को क्या कर सकते हैं, आयोजित कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने ट्रंप ने इंडिकेट किया है। लास्ट पैसेज है, देख लें, डिस्पाइट, याद होगा कभी भी डिस्पाइट के साथ आपके एग्जाम में ऑफ दे दिया जाए तुरंत समझ लें यहां पे ऑफ नहीं लग सकता है। डिस्पाइट इट्स बॉर्डर टेंशंस विद बीजिंग, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, डिस्पाइट इट्स बॉर्डर टेंशंस विद बीजिंग, यानी बीजिंग यानी चाइना के साथ किन किन टेंशंस हैं, बॉर्डर टेंशंस हैं, इसके बावजूद इंडिया मस्ट आल्सो कंसिडर, भारत को यह भी विचार में रखना चाहिए इट्स ऑब्जेक्टिव्स, कि इसके उद्देश्य क्या हैं इन अटेंडिंग अ ग्रुपिंग, एक ऐसे समूह को ज्वाइन करने में दैट अपीयर्स, जिस समूह, जो समूह प्रतीत होता है एम्ड एट, अर्थात जिस समूह का लक्ष्य ही प्रतीत होता है फ्यूलिंग अ न्यू कोल्ड वार बिटवीन द यूएस एंड चाइना, यानी जिस समूह का एम्ड एट लक्ष्य ही है, और मैंने एक दिन कहा था एम एट के साथ देखे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी जिस समूह का लक्ष्य ही है फ्यूलिंग यानी आग में घी का काम करना, किस चीज के लिए, अ न्यू कोल्ड वार, एक नए शीत युद्ध के लिए बिटवीन द यूएस एंड चाइना, बिटवीन के साथ एंड यानी अमेरिका और चीन के बीच में एक नए कोल्ड वार के लिए ईंधन का काम करेगा, उसे भड़काएगा, ऐसा लक्ष्य ही है जिस ग्रुप का प्रतीत हो रहा है, ऐसे ग्रुप को अटेंड करते हुए भारत को अपने उद्देश्यों अपने लक्ष्यों पर क्या रखना चाहिए, विचार करना चाहिए, भले ही बीजिंग के साथ आपके क्या हैं बॉर्डर टेंशंस हैं। फाइनली अंततः एन इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन किसी चीज को इवैल्यूएट करना, आकलन करना, असेस करना, ठीक है, एन इवैल्यूएशन, एक जो आकलन है ऑफ द G7 इफेक्टिवनेस, यानी G7 के जो प्रभाव है उसका आकलन जो है एज अ मल्टीलैटरल फोरम, अगर कोई बाइलैटरल होता है तो द्विपक्षीय होता है, यूनिलैटरल है UNI यूनिलैटरल एक पक्षीय होता है, तो मल्टीलैटरल है तो क्या है बहुपक्षीय हो जाएगा। फिर देख ले, फाइनली अंततः एन इवैल्यूएशन ऑफ द G7 इफेक्टिवनेस एज अ मल्टीलैटरल फोरम, यानी जो G7 का प्रभाव है एक मल्टीलैटरल फोरम के रूप में, यानी बहुपक्षीय मंच के रूप में, उस मंच उस फोरम के G7 का जो प्रभाव है इसका आकलन सो फार अब तक इज नीडेड, क्या है उसकी आवश्यकता। फिर देखे बच्चों, यानी एक इवैल्यूएशन की दस फार इज ने अभी तक आवश्यकता है, कौन से आकलन की, कि G7 का जो प्रभाव है वो क्या रहेगा, किस रूप में, एज अ मल्टीलैटरल फोरम, एक बहुपक्षीय मंच के रूप में, ठीक है। गिवेन, किस चीज को ध्यान में रखकर, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि डीप मेंबर डिफरेंसेस, कि गहरे सदस्यों के बीच मतभेद हैं ऑन इश्यूज, कुछ मुद्दों को लेकर, यानी कुछ मुद्दों पर सदस्यों के बीच गहरे मतभेद हैं, इंक्लूडिंग किस चीज के सहित, क्लाइमेट चेंज को लेकर के मतभेद हैं, सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस सुरक्षा सहयोग को लेकर के मतभेद हैं, ईरान को लेकर के मतभेद हैं एटसेट्रा, यानी ईरान को लेकर के, सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, जो सदस्य देश हैं उनके बीच में डीप डिफरेंसेस हैं, इन चीजों को ध्यान में रखकर भारत को ये आकलन कर लेना चाहिए कि इस प्रकार के G7 का इफेक्टिवनेस का एक मल्टीलैटरल फोरम के रूप में क्या उपयोग है इसका, इसकी कहीं ना कहीं आकलन करने की आवश्यकता जरूरत है। इन फ्रांस, फ्रांस में लास्ट ईयर, पिछले साल, अब जैसे लास्ट ईयर है ना, आगे पास्ट इंडेफिनिट होगा आपका,
लास्ट ईयर द ग्रुपिंग वाज अनेबल, है ना, देखिए पास्ट इंडेफिनिट, द ग्रुपिंग वाज अनेबल, ये समूह असमर्थ था टू इशू अ ज्वाइंट कम्युनिक, कम्युनिक याद हो गया, विज्ञप्ति। यानी फ्रांस में पिछले साल ये जो ग्रुपिंग थी G7 की वाज अनेबल, ये ग्रुप अनेबल था, असमर्थ था टू इशू अ ज्वाइंट कम्युनिक, क्या जारी करने में, एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी करने में, ड्यू टू दीज डिफरेंसेस, किनके कारण, इन्हीं मतभेदों का, यानी इन्हीं मतभेदों के कारण ये जो ज्वाइंट कम्युनिक नहीं जारी कर सके, उसमें असमर्थ रहे, किसके कारण, क्योंकि यही मतभेद ही उसके कारण थे कि कोई संयुक्त विज्ञप्ति ही जारी नहीं हो सके। कब, फ्रांस में जब पिछले साल क्या हुई थी, G7 की मीटिंग हुई थी, समिट हुई थी, और फर्स्ट इन इट्स 45 ईयर ओल्ड हिस्ट्री, यानी ऐसा पहली बार हुआ था 45 साल के इसके इतिहास में, G7 के 45 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई ज्वाइंट कम्युनिक इशू नहीं हो पाया था, जारी नहीं हो पाया था, एक संयुक्त विज्ञप्ति G7 के देशों द्वारा जारी नहीं हो पाई थी, क्यों, क्योंकि इन्हीं मतभेदों के कारण ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, वर्ड्स देख लें, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी, ग्लोबल याद हो गया होगा आपको, वैश्विक जो चीजें दुनिया भर से संबंधित हो वो ग्लोबल है, ये एडजेक्टिव है, कमेंड वर्ब के रूप में प्रशंसा करना, किसी को प्रेज करना, अप्लाड करना, नोटेबल एडजेक्टिव हो जाएगा, एबल लगा हुआ, नोटेबल ध्यान देने योग्य, लीव ऑफ फ्रेजल वर्ब है, किसी को लिस्ट से हटा देना, डूम्ड यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में है, जिस चीज के भाग्य में लिखा हो, कंसर्न्स नाउन है यानी चिंताएं, क्लोज टू ये एक फ्रेजल वर्ब की तरह है, निकट होना, मल्टीलैटरल ये एक एडजेक्टिव है, मल्टीलैटरल यानी आपका बहुपक्षीय, प्रपोज्ड एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे है, प्रस्तावित, एम एट ये वर्ब प्लस प्रीपोजिशन है यानी एक फ्रेज की तरह है, यानी लक्ष्य रखना, डिजर्व वर्ब है योग्य होना, काबिल होना, कॉन्फिगरेशन नाउन है आपका TION यानी यह संरचना, कोई व्यवस्था, क्रिएटिव IVE है यानी यह एक एडजेक्टिव है आपका, रचनात्मक, क्रियाशील, आउटरीच यहाँ पे एक नाउन की तरह है यानी जब पहुँच से बाहर हो आप, स्पोक्स पर्सन कॉमन नाउन है यानी प्रवक्ता, एक्नॉलेज स्वीकार करना वर्ब है आपकी, डीरेल वर्ब है आपकी पटरी से उतर जाना, बिगाड़ देना, कंसिडर वर्ब है यानी विचार करना, फोरम एक नाउन है मंच के रूप में, एमंगस्ट एक प्रीपोजिशन है के बीच, अनक्लियर यहाँ पे एडजेक्टिव है, अस्पष्ट ट्रीट वर्ब के रूप में व्यवहार करना और नाउन के रूप में कोई ट्रीट दावत को कहते हैं आप, आउटडेटेड एडजेक्टिव के रूप में है जो चीज प्रचलन से बाहर हो चुका हो, फार साइटेड एडजेक्टिव है दूरदर्शी, दूरगामी, इमर्जिंग यहाँ पे जीरण भी हो सकता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है ये, यानी इमर्जिंग जो उभर रहा हो, ट्रेडिशनल एडजेक्टिव है यानी जो पारंपरिक हो, AL लगा है ट्रेडिशन में, वे वर्ब है किसी चीज को तौलना, भार लेना, एंटायर यहाँ पे आपका क्या है, संपूर्ण, पूरा यानी कहीं कहीं एडवर्ब की तरह काम कर रहा है या एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है, ऑब्जेक्टिव्स नाउन है आपके उद्देश्य, लक्ष्य, दस फार यानी ये आपका किसकी तरह है, एडवर्ब की तरह है यानी अब तक, इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन है यहाँ पे यानी शामिल करके, डिफरेंसेस नाउन है आपका मतभेद, प्ले अ पार्ट वर्ब प्लस नाउन आपका है यानी रोल अदा करना, एक्सपेंड यानी वर्ब के रूप में विस्तार करना, बढ़ाना, फॉर्मेट नाउन है किसी चीज का प्रारूप, इकोनॉमीज नाउन है अर्थव्यवस्थाएं, एलाइज नाउन है सहयोगी, इनवाइटी नाउन है आमंत्रित सदस्य, कॉन्क्रीट एडजेक्टिव है आपका मीन्स कोई ठोस, फ्यूलिंग जीरण भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकती है और पार्टिसिपल भी हो सकता है प्रेजेंट, कॉन्क्रीट ठोस, सॉरी फ्यूलिंग मीन्स किसी चीज को हवा देना, भड़काना, कंट्रीब्यूशंस TION है नाउन है योगदान, रिकॉग्नाइज्ड एडजेक्टिव रूप में भी हो सकता है और रिकॉग्नाइज पहचानना भी होता है, टेंशंस नाउन है SIONS यानी तनाव, डेवलप्ड
ईडी है, यानी एडजेक्टिव रूप में भी हो सकता है, वर्ब के रूप में भी हो सकता है, विकसित हो। फॉलो अप, फ्रेजल वर्ब है आपकी, फॉलो अप मीन्स कुछ आपने कहा हो उस पर कार्य करना, आगे बढ़ना। कीप अप विद, ये आपका फ्रेजल वर्ब हो जाएगा, कीप अप विद, या एक idiom की तरह भी यूज कर सकते हैं, बराबरी पर रहना। पर्टिकुलरली एडवर्ब है आपका, विशेष रूप से। प्रेडिक्टिवली एडवर्ब है आपका, यानी जिससे इसकी संभावना हो, जिसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता हो। कंपोजिशन TION नाउन है, इसका मतलब संरचना, रचना, बनावट। प्रीमैच्योर TURE है, यानी एक तरह से नाउन की तरह वैसे काम करता है, जो चीज समय से पहले हो, एडवर्ब के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं। इवेल्युएशन TION है, यानी क्या हो जाएगा आपका, ये नाउन हो जाएगा, किसी चीज का आकलन, असेसमेंट। कम्युनिको नाउन है आपका, शासनादेश या शासन विज्ञप्ति, शासकीय विज्ञप्ति। इशू नाउन के रूप में भी हो सकता है आपका, मुद्दा, समस्या। समिट नाउन है आपका, मीन्स एक शिखर सम्मेलन। अनेक्सेशन TION है, मीन्स जोड़ने का कार्य। इशूज वही मुद्दे, समस्याएं, नाउन के रूप में। लैश आउट फ्रेजल वर्ब है, जोर से मारना भी होता है और आलोचना करना भी होता है। अप्रूवल, अप्रूव प्लस AL, यानी नाउन है आपका, अप्रूवल में सहमति, संस्तुति हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमेशा अपना सहयोग बनाए रखें, लेकिन ये भी सहयोग होगा बच्चों कि आप क्या करें, आप मेहनत करें, परिश्रम करते रहें, आगे सफल हो जाएं। और यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई गवर्नमेंट जॉब पाएं, ताकि जो लोग प्राइवेट जॉब होने की वजह से इस लॉकडाउन में सफ़र किए, वो कष्ट कभी आपको झेलने की आवश्यकता न पड़े। लेकिन ऐसा तभी होगा यदि आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। तो बच्चों मेंटली प्रिपेयर्ड होते रहिए, आपको छोटा सा अंश के रूप में मेरा भी सहयोग करना होगा। यदि आप ये चाहते हो ये चीज़ें रेगुलर चलती रहें, इनमें व्यवधान ना आए बच्चों, तो कहीं कहीं मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए छोटे छोटे कंट्रीब्यूशंस के लिए। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं इस तरह छोटी छोटी चीज़ों से बड़े कार्य कर लेता हूँ। कहीं कहीं मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करने के लिए, ठीक है। इसमें आपको कोई लॉस नहीं रहेगा बच्चों, बट इससे मेरा ऐसा काम हो जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा कि मैं कुछ जो इस समस्याएं आती हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, इनसे मैं निपट लूँगा, ठीक है। अपना सहयोग हमेशा, सपोर्ट हमेशा बनाए रखें, और कल मिलते हैं फिर नए सेशन में आपसे, जो सेशन कुछ नया लेकर आपके पास आएगा, नए वर्ड्स देगा, नए आइडियाज़ देगा, नई प्लानिंग देगा, नए फ्यूचर के प्रति आश्वासन भी देगा, एक अश्योरेंस भी देगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे, हमेशा खुश रहें आप।